अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जो PCS के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्रिक से बुक्स का नाम याद कर लें ताकि चीज़ें आसान रहे रिकॉल करने में एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अदरवाइज़ तो नॉर्मली पढ़ लेंगे। ओके, फर्स्ट बुक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अनुराधा मस्केरन हास ने लिखी है, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द सौम्या स्वामीनाथन। अनुराधा मस्केरस हास ने लिखी है, ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा याद करना बस। व्हील ऑफ रिसर्च अनुराधा ने लिखी है, ठीक है, इस टाइप से। दूसरा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सबको सेम ट्रीट करते हैं ना, इसलिए है सैम पित्रोदा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर इंसान जो है वो लगभग बराबर है ना, लोगों के हाथ में शक्ति है। तो सैम है ना, पित्रोदा, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है नाइफ। तो सलमान रुश्दी काफ़ी जाने मानी हस्ती हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है नाइफ। तो सलमान खान से हम लोग लगा सकते हैं अंदाज़ा, जैसे कि वो काफ़ी मूवीज़ में नाइफ लेके दौड़ते हैं गुंडों के पीछे, इसलिए सलमान रुश्दी ने कौन सी बुक लिखी है, नाइफ, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियास न्यूक्लियर टाइटन्स, ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें सौम्या अवस्थी और सरवना बरुआ। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है काफ़ी सौम्य है, इंडिया ने बोला है कि हम पहले अपना न्यूक्लियर नहीं यूज़ करेंगे, है ना, वो चीज़ है। सरवना बरुआ, तो वही चीज़ है कि सब लोग जो हैं उन पे हम लोग पहले न्यूक्लियर यूज़ नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या है, सौम्य, सब लोगों के प्रति सौम्य है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये हो जाएगा सौम्यावस्थी और सरवना बरुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द कॉन्स्पिरेसी। जैसा हम लोगों ने देखा कि कुछ साल, मतलब अभी रिसेंटली जो श्रीलंका है उसमें काफ़ी दिक्कत आ गई थी, है ना, फर्टिलाइज़र वगैरह और जो भी ऑर्गेनिक खेती जो भी चीज़ें हों वहाँ पे भी काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, तो इसलिए उनके जो पूर्व राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे, उन्होंने ये बुक लिखी है द कॉन्स्पिरेसी। ओके, नेक्स्ट बुक है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। तो ये किसकी है, एसटी मुनि। तो जो मुनि नारद थे काफ़ी बड़े डिप्लोमेट थे उस टाइम पे, है ना, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं डबलिंग इन डिप्लोमेसी, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी करते थे, जैसे गणेश जी और ये जो कार्तिकेय जी थे उस टाइम पे उन लोगों को परिक्रमा करने के लिए बोला गया था, मतलब काफ़ी स्टोरीज हैं इस टाइप की, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं याद करने के लिए ट्रिक्स। नेक्स्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये गीता सिंह के द्वारा लिखी गई है। जैसे गीता जो है वो बात करती है कृष्णा जी के थॉट्स के बारे में, राम मंदिर राम जी, तो कृष्ण और राम है ना, गीता और राम विरासत जो जो बुक है ना, तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। देन है द बुक ऑफ लाइफ। तो हम नॉर्मली हम लोग एक लाइफ ऐसे चाहते हैं जिसमें विवेक हो, है ना, विवेकहीन लाइफ जो है यूजलेस है, इसलिए जहाँ लाइफ की बात है वहाँ विवेक आ जाएगा। ओके, द बुक ऑफ लाइफ मतलब बुक लाइफ पे ही बुक लिखी है, इसलिए विवेक का होना ज़रूरी है। अगली बुक है माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, तो ये अमृत माथुर की है। ओके, और उसके बाद में है नेवर नेवर लैंड, तो ये नमिता गोखले। देखो नमिता लग रहा है कि मना कर रहा है कोई, नमिता और नेवर नेवर इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट होम इन इंडिया, तो कुर्तुलैन हैदर, हैदर नाम सुन के लग रहा है कि मतलब विदेशी टाइप है ना, हैदर अली हमारे देश में थे, वो भी मतलब है ना ये मिडिल सेंट्रल एशिया से आए थे उस टाइप की चीज़ें। तो एट होम इन इंडिया कुर्तुहल हैदर के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है द विनर्स माइंड सेट, शेन वॉटसन। तो एक पिता है वो बोलता है कि व्हाट सन, अपने सन से बोलता है कि भाई विनर माइंडसेट रखो, है ना, अदरवाइज शेम करेंगे हम तुम पे, शेन वॉटसन। ओके, नेक्स्ट है यस शेन वॉटसन हो गया, इकोज ऑफ एनलाइटमेंट INGNC एंड जर्नी इनटू बौद्धिज्म, मयंक शेखर। तो बौद्धिज्म से रिलेटेड ये जो इकोज ऑफ एनलाइटमेंट जर्नी इनटू बौद्धिज्म मयंक शेखर ने लिखी है, ठीक है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक।
द बिजनेस लीजेंड ऑफ इंडिया अर्जुन संपत, जिसके पास संपत्ति होगी वही तो बिजनेस लीड कर पाएगा, तो ये यहाँ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अनब्रोकन, इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी, वो भाई कभी ब्रेक नहीं हो सकती, बहुत स्ट्रांग है वो, देवताओं के देवता हैं इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने दो बुक्स लिखी हैं, दोनों मतलब एक मैसेज टाइप है, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स, अपने यंग फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद में हाउ टू बी हैप्पी, ये मैसेज, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन बॉन्ड मतलब एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं लोगों के बीच, इसलिए लेटर टू यंग मैन दे रहे हैं, हाउ टू बी हैप्पी के टिप्स दे रहे हैं ना अपनी बुक्स में, वो चीज़ है। उसके बाद में क्या है सोर्स कोड माई बिगैनिंग, ये क्या है आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स की है, ठीक है। बिल गेट्स की क्या है आत्मकथा, सोर्स कोड माई बिगैनिंग, ओके। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये भी क्या है आत्मकथा, रविंद्र चंद्र अश्विन की है, ठीक है। तो अश्विन को तो मोस्टली लोग जानते ही हैं, उन्होंने लिखी है कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में आलिया भट्ट की है एडवेंचर्स ऑफ एडम मम्मा एंड फाइंड्स अ होम, तो नॉर्मली जब ये आई थी तो एज अ किड स्टार बोली जाती थी, इसलिए मम्मा जहाँ पे आए है ना एडवेंचर्स ऑफ एडम मम्मा, वहाँ पे इनको जोड़ सकते हैं आलिया भट्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पना किलावाला के द्वारा लिखी गई बुक है फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो वॉल जो होती है वो किले की समझ लो है ना, तो जहाँ पे किला है वहाँ पे वॉल को हम लोग टिक कर देंगे। फिर है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो स्टार्स जो होते हैं वो सेना में मतलब मिलते हैं, 1 स्टार ऑफिसर 2 स्टार ऑफिसर है ना, पुलिस वगैरह इन सब में, तो पूर्व सेना प्रमुख जो MM नरवणे हैं उन्होंने ही इसको लिखा है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ओके। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजिंग सेल्फ एफिशिएंसी, तो ये को फर्टिलाइजिंग बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रसायन उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, जब ये किसान आंदोलन वगैरह हो रहा था तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर का नाम मनसुख मंडाविया ज़्यादा ले रहे हैं बुक में, है ना। उसके बाद में है अनस्क्रिप्टेड कन्वेंशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा, तो ये विदुर चोपड़ा अभिजीत जोशी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, तो भाई अक्षय कुमार की पत्नी हैं, पैराडाइज में रहती हैं, वेलकम कर रही हैं पैराडाइज का, ठीक है। जया जेटली, अरुण जेटली की वाइफ जो है उन्होंने लिखा है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया, तो अरुण जेटली जी तो रहे नहीं तो ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह करके अपना टाइम पास करती हैं, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है एक समंदर मेरे अंदर, तो भाई ये कौन लिख सकता है, एक जोशी इंसान, संजीव जोशी, जिसके अंदर खूब सारा जीव हो, मतलब होता है लाइफ को जीने की एक जो आस होती है वो। नेक्स्ट है वाई भारत मैटर्स, ये UPSC में भी आया था इस बार, है ना, तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है वाई भारत मैटर्स, जैसे कि विदेश मंत्री हैं ये, तो अपने बयानों को लेके और चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि भारत क्यों मैटर करता है भाई हमारे लिए, है ना। फिर है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस, MG अकबर, तो अकबर ने मतलब सोचा कि गांधी जी के बारे में कुछ बोलें, है ना, अकबर गांधी ही दोनों लोग काफ़ी फेमस थे अपने टाइम पे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन। देन है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इकोनॉमिक्स फ्यूचर, तो ये देखो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मतलब कोई इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो रघुराम राजन जैसा, है ना, रघुराम राजन और लोहित लांबा, इन लोगों ने इस बुक को लिखा है, तो ऐसे हम लोगों ने देखा, सारी बुक्स हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को दोबारा देखते हैं, जैसे कि भाई रघुराम राजन जी के द्वारा जो लिखी गई है ये वाली, है ना, MG अकबर के द्वारा जो लिखी गई है वाई भारत मैटर्स, एक समंदर मेरे अंदर, वेलकम टू पैराडाइज, और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, है ना, एडवेंचर्स ऑफ अमम्मा, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। आई हैव अ स्ट्रीट अ कुट्टी स्टोरी, ओके। देन ये जो अनब्रोकन है, हाउ टू बी हैप्पी, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ सोर्स माई बिगेनिंग, आत्मकथा ऑफ बिल गेट्स, ठीक है। तो बाई दिस हमने लगभग सारी
ख़त्म कर दी हैं बुक्स। ओके अच्छे से पढ़ो।